बीजेपी कार्यालय हनुमानगढ़ का जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आज उद्घाटन किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के जिलों के अंदर भी बने हुए बीजेपी के कार्यालयों को जहां वर्चुअल यहीं से उद्घाटन कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के दौरे पर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के पर रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने विचार विमर्श भी किया है। कहीं ना कहीं चुनाव से इस यात्रा को देखा जा रहा है और राजनीतिज्ञ जानकार यही राय प्रकट कर रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा हनुमानगढ़ जिले में 2 सीट पहले जीती हुई है और 3 सीटों पर बीजेपी काबिज नहीं है। कहीं ना कहीं प्रयास बीजेपी का यही है कि पूर्व की 2 सीटों तथा अन्य 3 विधानसभा हनुमानगढ़ की सीटों पर कब्जा आने वाले समय में करने का प्रयास किया जाए। आप पार्टी पंजाब में जीत हासिल कर जहां खासकर गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले की विधानसभा सीटों पर फोकस करना शुरू कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो विरोधी पार्टियां यह भी कहती नज़र आ रही हैं कि जिले में कांग्रेस का जिला अध्यक्ष तक 4 वर्षों से सत्ता में होते हुए भी बना नहीं पाए और विधानसभा में कांग्रेस की वापसी संभव नहीं है, ऐसे विचार प्रकट करते हुए आज देखे गए। वहीं बीजेपी पार्टी के आप लोग पीछे आ जाओ साथ भी जोड़कर राजनीतिज्ञ जहां जरूर इसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिन का दौरा गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी आप पार्टी की राहें को रोकना भी चाहती हैं। इसीलिए गंगानगर हनुमानगढ़ जिले का जो दौरा बनवाया गया करवाया गया जनता से सीधा संपर्क राष्ट्रीय अध्यक्ष का करवाने के पीछे यह भी मंशा पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि बीजेपी की हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी जो यहाँ पर ज़मीन तलाशने का काम कर रही है उससे पहले ही उसके रास्ते को रोकने के प्रयास किए जाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज की सभा के अंदर क्या कहना था, आपको सुनाते हैं, सुनिए। बताइए राजस्थान का विकास होगा कि नहीं होगा? तो हर दृष्टि से एक विकसित देश को विकसित प्रदेश को बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर कहूंगा कि मैं आपसे आज कार्यालय के उद्घाटन में तो आया हूं, लेकिन मैं यहाँ पर निश्चित रूप से राजस्थान की जनता से और विशेष करके हमारे हनुमानगढ़ की जनता, बीकानेर में जो हमारे लोग सुन रहे हैं, श्रीगंगानगर में जो हमारी बात को सुन रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, बांसवाड़ा में, नागौर में, उदयपुर में, अलवर में, हमारे प्रतापगढ़ में और हमारे दौसा में, बरौन में और चुरू में जो हमारे कार्यकर्ता हमारी बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे राजस्थान में डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार कोई कारण नहीं है, मोदी जी का आशीर्वाद हो और राजस्थान में जन विरोधी सरकार बैठी हो जिसको जनता से कोई लेना देना नहीं, जो जनता के मर्म को नहीं समझती, जो जनता के विषयों को नहीं समझती। और मुझे तो बहुत दुख हो राजस्थान, और मेरा तो रिश्ता भी राजस्थान से प्रेम है, लगाओ, और हनुमानगढ़ से तो विशेष करके लगाओ। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संतोष के। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? विकास के। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? संस्कार के। किस बात के लिए राजस्थान जाना जाता था? शांति के। लेकिन ये अशोक गहलोत ने राजस्थान की आबरू पर और राजस्थान के मान पर, सम्मान पर गहरी चोट और आघात पहुंचाई। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, अखबार खोलो, सबसे ज्यादा बलात्कार के किस्से आज राजस्थान में, सबसे ज्यादा बलात्कार। और गहलोत साहब को कोई पीड़ा नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती। और मुझे बताया गया कि एक मंत्री ने एक विधानसभा में बहुत ही हल्का बयान दिया
मैं वो बयान बोल नहीं सकता। उसने वो हल्का बयान दिया, ये कांग्रेस की मानसिकता दर्शाता है और ये गहलोत की मानसिकता दर्शाता है, इसको हमको समझना। अगर हम कर्मचारियों की मांगों की तरफ नज़र दौड़ाएं तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू की थी, पर केंद्र सरकार ने एनपीएस में जमा राशि को इस शर्त पर लौटाने से इनकार कर दिया है कि यह प्रावधान के अधीन नहीं आता है, जिससे कर्मचारी वर्ग में जरूर मायूसी छाई हुई है तथा कर्मचारी वर्ग यह भी कह रहा है कि बीजेपी कर्मचारियों के लिए कुछ करे नहीं तो आगे आने वाले समय में नाराज़गी का सामना भी इन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस में पैसा जो लौटाया जाना था जमा राशि 2004 के बाद उसको लौटाने से यहाँ एक और इनकार किया है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के पेट्रोल डीजल पर अपना वैट टैक्स कम नहीं करने पर कांग्रेस पार्टी आरोप भी लगातार लगाती आ रही है। केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार को कम से कम कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन राजस्थान में या अन्य राज्यों में लागू की गई है एनपीएस से पैसा लुटाने पर विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कर्मचारियों की नाराज़गी से बचा जा सके। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।